अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बताने लगी हूँ मौसम के हिसाब से, सर्दी के लिहाज से कश्मीरी चाय, पिंक टी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए मैंने 3 कप पानी लिया है। 3 कप मैंने इसके लिए पानी लिया है और पानी के अंदर मैं डालूँगी कश्मीरी चाय। ये मैं डालूँगी इस तरह से चम्मच भर के, 2 चम्मच, ये मैंने 2 चम्मच डाल दी। और इसके साथ मैं डालूंगी इलायची, सब्ज़ इलायची, ये मैं 3 इसमें डाल रही हूँ। 3 सब्ज़ इलायचियाँ भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर इस तरह से तोड़ के, ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आ जाए। और फ्लेम मैंने इसके नीचे ऑन कर दिया है, देखिए 3 मैंने ये डाल दी। एक चुटकी, बिल्कुल चुटकी मैंने डालना है, ये देखें बिल्कुल चुटकी मीठा सोडा, ज़्यादा नहीं डालना। और इसी तरह से एक चुटकी 1 पिंच सॉल्ट, नमक भी 1 चुटकी मैंने डाल दी है। बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये आधा हाफ नहीं रह जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स किया और इसको बॉयल आने देंगे जब तक ये 3 कप से 1.5 कप पे नहीं आ जाता। कहवा जो हमने बना रखा था कश्मीरी चाय के लिए, ये देखें ये हाफ हो गया बॉयल हो के, और इसके मुसलसल मैं इसको साथ में चम्मच इसका चलाती रही हूँ। और अब फ्लेम जो है वो तेज़ ही है, इसके अंदर ये मैं बर्फ़ वाला पानी ये डाल दूँगी। बर्फ़ वाला पानी है बहुत ठंडा, और ये 1 कप पानी मैंने इसके अंदर डाला है। नीचे से फ्लेम फुल है और इसको हम दोबारा पकाएंगे और साथ साथ फेंटते रहेंगे, मुसलसल इसको फेंटना है जब तक कि इसका कलर मैरून नहीं हो जाता। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे होंगे कलर इसका मैरून की तरफ आ रहा है, और इसको हमने मुसलसल फेंटना है फुल फ्लेम के ऊपर इस तरह से। कहवा हमारा तैयार हो गया है, ये देखें अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, और स्ट्रेन करके इसको 1 हफ्ते के लिए हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब भी चाय बनानी हो उसके अंदर कहवा आप वो स्ट्रेन हुआ हुआ फ्रिज में से निकालें, डालें और चाय बना लें। अब मैं इसको स्ट्रेन करती हूँ। 2 कप दूध मैंने चूल्हे पर रखा है बॉयल होने के लिए, और इसके अंदर चीनी मैं डालूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से। 2 कप दूध है, मैं इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ, और जैसे ही इसमें थोड़ा सा हल्का सा बॉयल आएगा इसके अंदर जो कहवा हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। ये बस इसको बॉयल आ गया है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कहवा जो हमने तैयार किया हुआ था। ये देखें कितना ज़बरदस्त पिंक कलर इसका हो गया है, ये देखिए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी। ये 2 कप दूध था और उसके अंदर तकरीबन 1 कप जो कहवा जो हमने तैयार किया था वो मैंने डाला है, और बाकी जो बच गया है कहवा मेरे पास उसको मैं फ्रिज में रखूँगी और 1 हफ्ते तक मैं उसको इस्तेमाल में ला सकती हूँ जब भी मेरा दिल चाहेगा चाय बनाने के लिए। कहवा इसमें डालने के बाद इसके अंदर मैंने डालने हैं नट्स, बादाम, पिस्ता, जितने आपका दिल चाहे आप इसके अंदर डालें, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। बादाम पिस्ता डालने के बाद इसको मैं 2 से 3 बॉयल आने दूंगी ताकि इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। कश्मीरी चाय हमारी तैयार हो गई है ज़बरदस्त किस्म की। अब मैं इसको कप में डालूंगी और इसको हम पियेंगे मज़े लेके। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें। थैंक यू।